हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही वैके यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका दोस्तों पहला नाम है मार्टी एंगल स्ट्रेटेजी, दूसरा दोस्तों इक्वल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या सब होते हैं। दोनों टॉपिक को दोस्तों हम अच्छे से देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो मेरा नया तरीका है समझाने का, वो शायद आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आप लोगों को 100% समझाना, ना सिर्फ फैंटेसी से रिलेटेड, बाकी भी लाइफ में जो कुछ भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा फैंटेसी की। तो दोस्तों ये 4 साल में मैंने क्या सीखा है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या निगेटिव्स हैं इसके, ये सभी मुझे बताने बहुत ही जरूरी है। आज हम लोग चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या होते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेंगे इक्वल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या सब होते हैं। बहुत सारे भाई का बहुत सारे डॉट्स भी रहता है कि भाई इसमें मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में मान लो कि एक ही टाइम पे 3-3 मैच 4-4 मैच हो तो कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, या फिर इक्वल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो होते हैं उसमें हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो इक्वल वाला तो बिल्कुल क्लियर फंडा है, मैंने आप लोग को काफी टाइम से पहले से बोल भी रखा है कि इक्वल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या सब होते हैं। बाकी आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्टिंगल स्ट्रेटेजी को क्लियर करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग इक्वल इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा बहुत देखेंगे। बाकी आप लोगों के पास जो भी डॉट्स होगा, जो भी कमेंट्स में मैं देखूंगा, क्वेश्चन होगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवाने का कोशिश करूंगा। पर वीक में एक या तो दोस्तों ऐसा वीडियो आएगा जहां पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों को करना है क्या है, नहीं क्या करना है, किस चीज से आप लोगों को बच के रहना है। तो दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या सब होते हैं। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी को दोस्तों आपको थोड़ा बारीकी से समझना, मैंने इसको लेकर कल एक वीडियो भी दिया हुआ था, जो आप लोग देखोगे तो आपके बहुत सारे डॉट्स क्लियर भी हो गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको जो है पैक, जैसे कि मान लो जो लो इन्वेस्टर हो, लो इन्वेस्टर वाले के लिए स्पेशली क्या होता है दोस्तों कि ड्रीम इलेवन पे जो पैक है 77 का दोस्तों आप लोग का 3 मेंबर का दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों मान लो उसके बाद एक पैक दिख जाता है 125 में, उसके बाद दोस्तों आपको एक पैक दिख जाएगा और ड्रीम इलेवन पे 230 में। दोस्तों ये अप्लाई मार्टिंगल स्ट्रेटेजी होता है स्पेशली हेड टू हेड में। अगर आप इसको लेकर गूगल करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा जहां पे 50% विनिंग चांसेस हो वहीं पे ये मार्टिंगल स्ट्रेटेजी अप्लाई होता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि नहीं भाई, मुझे यहाँ पे 50% वाले पे नहीं, मुझे यहाँ पे 33% वाले जो 3 मेंबर होते हैं वहां पे भी ये मुझे अप्लाई करवानी है। लेकिन वहां पे आप लोग को कुछ याद फंडा रखना पड़ेगा कि आप लोग इसको 4 मेंबर में प्लीज यूज मत करना, आप लोग 3 मेंबर में यूज करना और हेड टू हेड में मार्टिंगल स्ट्रेटेजी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करने का कोशिश करना। तो दोस्तों यहाँ पे मान लो 77, 125, 230, उसके अलावा दोस्तों आप लोग को दिख जाएंगे 387 का, फिर आप लोग को दोस्तों दिख जाएंगे यहाँ पे 777 का, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिख जाएंगे यहाँ पे 1150 का 3 नंबर, उसके बाद दिख जाएंगे आप लोगों को 1547 का, देन आफ्टर दोस्तों आप लोगों को दिख जाएंगे 3600 रुपीज का 3 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 3600 रुपीज का, कहीं पे कोई दिक्कत है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक टू सेट में आप लोगों को सिंपल ही बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी जाओगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आप लोगों को 77 विन करोगे कितना मिलेगा आपको, 200 रुपीज मिलेगा, जो कि ड्रीम इलेवन पे दोस्तों यहाँ पे कमीशन चार्जेस मुझे बहुत ही ज्यादा है दिखते। मैं तो रिकमेंड करूंगा ड्रीम इलेवन पे कम खेलो आप लोग, बाकी खेल रहे तो खेलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। 200 दिख जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप जीतते हो तो 325 रुपीज। ठीक है, यहाँ दोस्तों अगर आप लोग 230 में विन करते हो तो आपको मिल जाएंगे 600 रुपीज। मार्टिंगल बहुत ही सिंपल है, आप लोग मैं समझाऊंगा आप लोग समझना बस इसको। 387 में दोस्तों आप लोग को मिल जाएंगे आई थिंक 1000 रुपीज, कहीं कहीं तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेंगे 1050 रुपीज भी। बाकी दोस्तों 777 में आपको मिल जाएंगे तकरीबन 2177 रुपीज के आसपास, लेकिन मान के चलते हम 2000 ही रुपीज। ठीक है, उसके बाद 1150 दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे 3000 रुपीज, यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों 2150 रुपीज ड्रीम इलेवन पे आजकल सभी को दे रहे हैं अगर आप 1-2 दिन नहीं खेलोगे तो। बाकी आप लोग को 1547 में दिख जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3000 रुपीज, 4000 रुपीज के आसपास, उसके बाद दोस्तों आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पे 10000 रुपीज के आसपास। ये दोस्तों आप लोगों को दो तरह का पैक में दिख जाएगा, एक तो आप लोग का दिख जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये 3600 में या 3850 में। ठीक है, दो तरह का आपका पैक यहाँ पे दिख जाने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को करना क्या, किस पॉइंट्स को ज्यादा ध्यान देना है वो आप लोग समझिएगा। आप मान लो आपने पहले मैच में किया क्या 77 वाले, आपने कंटेस्ट ज्वाइन किया, ठीक है आपने ज्वाइन किया, आप ये मैच हार गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने ज्वाइन किया आप हार गए कोई बात नहीं है। आगे आ जाओ, आप अगले मैच में ये पैक ज्वाइन नहीं करोगे, मेरे अगले मैच जो आप खेलोगे वहां पे आप ज्वाइन करोगे 125 वाला कंटेस्ट, वो भी मान के चलो आप हार गए कोई काट दो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी टीम उतनी अच्छी नहीं बन रही, आप हार गए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने खेला 230 वाला कंटेस्ट, मान लो आप यहीं पे जीत गए, आप यहीं पे जीत गए, तो दोस्तों आप लोग यहां पे जीत गए तो आपको कितने मिला अमाउंट भाई, यहां पे 600 रुपीज मिला, कितने मिला 600 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट। देखो अब दूसरी जगह पे दूसरा एप्लीकेशन जो भी है उस पे आपको 230 वाला मिल जाएगा, 205, 207 ऐसे करके। तो दोस्तों यहाँ पे 230 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर 125 रुपीज,
230, 125 और 77 का आप ऐड कर दो, 230 प्लस 125 और प्लस दोस्तों 77 कर दिए, 7 × 12 उसके बाद दोस्तों आप लोग मिल जाएंगे यहाँ पे, इसको काट दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 × 2 = 13 और दोस्तों 2 × 1 = 3 = 4 ठीक है दोस्तों। आप मान लो कि आपने कुछ भी रिस्क नहीं लिया, कुछ भी रिस्क नहीं लिया, आपका 432 रुपीज आपको ड्रीम इलेवन पे लगे हैं, ये दोस्तों दूसरे एप्लीकेशन पे आपको लग जाएंगे 400 रुपीज। कभी कभी दोस्तों स्पीड में अगर प्लस माइनस में कोई दिक्कत हो जाए तो उसको आप लोग थोड़ा सा इशू मत बना देना कि यार आप प्लस माइनस भी गलती कर देना चाहे ऐसा कैसे, तो ये मत करना। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने की 400 रुपीज आपको भाई, अगर कुछ भी आप नहीं करोगे बस बिल्कुल सेफ जोन से जाओगे आप विन करोगे, कितना मिलेगा आपको भाई यहाँ पे 600 रुपीज आपने विन किया, आपने इन्वेस्टमेंट कितने के 400 रुपीज, आपको मिला कितना प्रॉफिट 200 रुपीज का। ये आपका जो प्रॉफिट होगा ना ये दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये लॉस में नहीं दिलवा सकते मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में। ऐसा भाई हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप अगर मान लो आपका लक और भी बुरा है, आप ये भी हार गए, आप आगे जाओगे ना, ये भी मान लो हार गए आप इससे आगे जाओगे, ये भी हार गए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, उससे आगे जाओगे आप 1150 में, ये भी मान लो हार गए भाई साहब, इतना मत हारोगे काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो भाई इतना हारोगे तो काम कैसे चलेगा, मान लो एक मैच हार गए, दूसरा हार गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठ मैच कंटिन्यू हार जाओगे तुम भाई, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप अगर पीआर को फॉलो करते हो तो ये पॉसिबल कभी नहीं है कि आप लगातार 8 मैच खेलोगे और 8 मैच हार जाओगे, कभी पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो दोस्तों आप लोग मार्टिंगल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने है, मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि एक मंथ के लास्ट में दोस्तों मिनिमम आप लेके प्रॉफिट जाओगे तकरीबन दोस्तों 25,000 रुपीज, कम से कम 25,000 रुपीज दोस्तों आप लोग प्रॉफिट लेके जाओगे, कम से कम, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए दोस्तों, ये प्रॉफिट आपको कोई नहीं रोक सकता है। कितना रुपीज लेके उतरने आपको, सिर्फ और सिर्फ मार्केट मूल्य के उतरने दोस्तों, आप लोग इसको एक बार काउंट कर लो, तकरीबन दोस्तों वही होगा 7,075 रुपीज के आसपास। मैंने कल के वीडियो में बोला था दोस्तों कि आप लोग 5,000 रुपीज से भी उतरोगे तो प्रॉफिट अर्न कर लो, क्यों, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि आपका इतना भाग बुरा है कि आप यहीं पर जाके विन करोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि आप 2, 3 या 4 या 5वें मैच में जाके विन कर लोगे। इसलिए मैंने कल के वीडियो में बोला था कि आप 5,000 रुपीज लेकर उतरते हो तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो दोस्तों यह मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, बाकी आपके कुछ क्वेश्चन थे उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि भाई मान के चलो ये तो आप लोग को समझ में आ गया पूरा, चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। आप लोग का जो कल क्वेश्चन था कि भाई अब मान लेते हैं कि एक टाइम पे 5-5 मैच हो, 4-4 मैच हो, क्या कर रहे हैं मुझे, अब देखो T20 ब्लास्ट जैसे टूर्नामेंट चल रहा हो, T20 ब्लास्ट का भाई एक एक दिन में 10-10 मैच करवा देते हैं, करवाते हैं ना, तो यहां पे हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आपकी क्वेश्चन आएगी मुझे पता है। अब यहां पे मान लो कि एक टाइम पे 9 बजे के 30 मिनट में 5 मैच है भाई, फिर 10 बजे जो है वो 2 मैच है, फिर 11 बजे दोस्तों यहां से फिर 3 मैच है, यहां पे हम क्या करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताने वाला हूं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक और स्ट्रेटेजी जिसका नाम है दोस्तों इक्वल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। एक टाइम पे दोस्तों जैसे आपको दिख जाएगा 4 मैच 5 मैच 6 मैच, वहां पे आपको मार्टिंगल से दूर आके इक्वल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, वो भी बहुत ही सेफ जोन है। अगर आपके मैच टाइमिंग डिफरेंट है, आप लोग मार्टिंगल वाले को याद करके रखिएगा कि देखो मैंने एक मार्टिंगल वाला 77 का यूज किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है अब 125 वाला खेलना है, अब जैसे कि मान लो उसके बाद आपको खेलना है 230 वाला, उसके बाद 387 वाला, ये तो मार्टिंगल का चलेगा। आप लोग मान लो एक ही टाइम पे 4-4, 5-5 मैच है तो दोस्तों आपको उस टाइम फॉलो करना पड़ेगा मार्टिंगल, समझ गए होगे ना। चलिए आगे, थोड़ी सी गर्मी है, क्या करेंगे दोस्तों, फैन ऑन करेंगे, थोड़ा सा आउटर आवाज आप लोग को ज्यादा सुनने को मिल जाएगा। दूसरी जो पॉइंट है दोस्तों इक्वल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझिएगा तो ध्यान से दोस्तों, यहां पे आपको क्या करना है,
देखो यहाँ पे क्या इक्वल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में क्या आपको प्रॉफिट्स भी होंगे लॉस भी होंगे, यहाँ पे गारंटेड 100% नहीं है कि आप प्रॉफिट में जाओगे कि 100% आप हाँ भाई हमेशा प्रॉफिट में ही जाओगे, ऐसा यहाँ पे कोई गारंटेड नहीं है। लेकिन मार्केट एंगल में क्या होता है कि आप 100 out of 100 टाइम्स प्रॉफिट में जाओगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे यहाँ पे इक्वल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को 9:30 में आपको 3 मैच दिखे, आपको तो मार्केट एंगल स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आगे बढ़ना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बाकी 9:30 में आपको दिख गए 3 मैच, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको 10 बजे दिख जाएंगे 2 मैच, जहां पे आपको लग रहा है कि यहां पे मार्केट एंगल नहीं चलेगा, आपको 10:30 में दिख गया आपको यहां पे 3 मैच, जहां पे दोस्तों आप मार्केट एंगल नहीं लगा सकते, कैसे लगाओगे भाई, कैसे लगाओगे आप यहां पे। तो दोस्तों आप यहां पे करोगे इक्वल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपको एक बजट डिसाइड कर लेना है कि मुझे इक्वल में कितना लगाना है, मार्टिंगल से ज्यादा आगे पीछे मत लगाना। यहां पे ऐसा नहीं कि भाई एक मैच में वहां पे 3 मैच में जितना जीते वहां यहां पे लगा दिए कि मैच में उतना, ये गलती नहीं करना है। आप जैसे मान लो कि दोस्तों यहां पे लगा दिया आपने 500 रुपए का, आपने डिसाइड कर लिया, जो मैं लो इन्वेस्टर को बात करता हूं क्योंकि मैं हमेशा समझता हूं कि मेरे पीआर फैमिली में वही मेंबर ज्यादा से ज्यादा है जो दोस्तों एक लो इन्वेस्टर है। तो दोस्तों अगर आप मान लो कि आपने यहां पे लगा दिया 500 रुपए, तो आपको अगले मैच फिर से लगाने 500 रुपए, उसको दोस्तों यहाँ पे मैच होंगे वहां पे भी आपको लगने 500 रुपीज प्रत्येक मैच में, ठीक है। आपके पास बजट कितना भाई 5000 रुपीज का या 7500 रुपीज का, इतना बजट चाहिए, इतना बजट आपको फैंटेसी में चाहिए। अब 3 मैच है आपने यहाँ पे लगा दिया भाई सब 5 या 1500, ठीक है। यहाँ पे 2 मैच अधिकांश 3 मेंबर खेलो, 3 मेंबर ज्यादा से ज्यादा खेलो, हेड टू हेड और 4 मेंबर वगैरह सब लोग डिस्टेंस बना के 3 मेंबर और मिनी जीएल जीएल खेलो। दोस्तों आपने 2 मैच में कितना लगा दिया यहाँ पे 1000 रुपीज, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे 3 मैच कितना लगा दिया, आपका बजट यहाँ पे चलेगा 1500 रुपीज, कितना टोटल हुआ 4000 रुपीज। दोस्तों कितना मैच आपने टोटल खेला, 3, 2, 5, 3, 8 मैच में आपने लगा दिया भाई सब 4000 रुपीज, ऑन एन एवरेज 500 रुपीज पर मैच। 500 में अगर दोस्तों आपको जीतते हो तो तकरीबन आपको मिलता है, मान के चलो 520-525 आपको मिलता है तकरीबन आपको कितना 1500 के आसपास, हम यहाँ पे मानते हैं 1450 रुपीज, क्योंकि 50 रुपीज मान लेते हैं कमीशन का भी चार्जेस। अब देखो 8 मैच में आपने इक्वल इन्वेस्टमेंट किया, समझिएगा ध्यान से, कितना भी आपका बुरा दिन रहेगा, कितना भी बुरा दिन रहेगा दोस्तों, आप 50% मैच आराम से विन करोगे, कितना भी बुरा दिन लेके चलोगे, मेरी टीम से खेलोगे या खुद की टीम से खेलोगे, 50% मैच अगर आप नहीं जीतते फैंटेसी में तो फिर दिक्कतें हैं, ये तब दिक्कतें रेज हो जाएंगी जब दोस्तों आप 50% कंटेस्ट नहीं विन कर रहे हो भाई, वहां पे तो दिक्कतें होंगी। तो ये दिक्कतें दोस्तों जो होंगी वो फिर आपको खुद से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आप लगातार मेहनत करोगे आपको बहुत ज्यादा सफल मिल जाएगी। दोस्तों फैंटेसी में 50% से कम मार्क्स नहीं चलेगा, 50% मार्क्स आनी चाहिए। अब देखो भाई आप 50% कंटेस्ट यहां पे विन करके आप 4 कंटेस्ट मिनिमम तो विन करोगे, आप लोग बताओ कमेंट में भाई, इतना भी तो हम गंदे नहीं खेलते कि 4 मैच हम लोग विन नहीं करेंगे, 4 मैच हम लोग विन कर गए, ठीक है। तो भाई एक मैच अगर हम विन करते हैं तो हमको मिलते हैं 1450 रुपीज, जो मैंने आप लोगों को निकाल के बताया है ऑन एवरेज जितना मिलेगा, 4 मैच विन करेंगे तो 1450 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोस्तों हो जाएगा आपका 5800 रुपीज, आपका इन्वेस्टमेंट 4000 रुपीज, आपने अर्न कितना किया 5800 रुपीज। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट नहीं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोस्तों यहां पर हो जाएगा 5800 माइनस 4000, कितना भाई 1800 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा आप लोगों को। आपने कुछ भी रिस्क नहीं लिया, फिर सिर्फ आपको 50% विनिंग चाहिए, सिर्फ आपको 50% विनिंग चाहिए आपको प्रॉफिट लगाने के लिए, आपने 4000 रुपीज से दोस्तों कमा लिए एक रात में 1800 रुपीज। अगर आपका मान लो विनिंग परसेंटेज 30 या 35% के आसपास भी रहता है तो दोस्तों आपका पैसा का पैसा आ जाएगा। अगर आपका विनिंग परसेंटेज चले जाता है 70, 75, 80 जो कि हमारा अधिक टाइम रहता है, कभी कभी नीचे आ जाता है, तो दोस्तों आपको प्रॉफिट हो जाएंगे डबल ट्रिपल टाइम्स आपके पैसा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका। तो दोस्तों मैंने समझता हूँ कि आप लोगों को मैंने सारी स्ट्रेटेजी लगभग बता दी है, मार्केट एंगल में आप लोगों को मैंने एक चीज नहीं बताया कि आप लोगों में से कुछ भाई का डॉट्स थे, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना मेरे भाई। चलिए आगे आ जाइए, मार्केट एंगल में आप लोगों को मैंने एक पॉइंट्स नहीं बताया हुआ था थोड़े से, जो कि है भाई कुछ भाई का कहना था कि राजा भाई जैसे कि मान लो मैं 77 वाला खेलता हूं और यहां पे दोस्तों मैं हार जाता हूं, ठीक है, मैं 125 खेलता हूं, मैं ये जीत जाता हूं, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो मैं इसके बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है, फिर आपको बैक आना है 77 पे, फिर आपको बैक 77 पे आना है, फिर आपको आगे बढ़ना है सिक्वेंस में,
फिर आप यहां भी फॉल होते हो 387 पे सही होते हो, यहां आप करेक्ट कर देते हो, फिर आप यहां से यहां जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपका जो स्मॉल लीग का टीम होता है उसी से आप जीएल मिनी जीएल खेलो, मैं दावा के साथ कहता हूं अगर आप 49 वाला जीएल खेलो तो आप 60 या 80 रुपीज जरूर लेके जाओगे। अगर दोस्तों आपने ख्वाब सोच लिया लाखों के, फिर आपको कितना 49 जाएगा ये मैं कह नहीं सकता हूँ, कितना 49 जाएगा ये मैं कह नहीं सकता हूँ। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो जाइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए। और दोस्तों मेरा नया तरीका समझाने का कैसा लगा ये भी आप लोग बताइएगा। और दोस्तों बहुत सारी और भी काम चल रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप लोग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ मैं लाने का कोशिश करूंगा। जैसे मार्टिंगल स्ट्रेटेजी है बिल्कुल मार्केट में फ्रेश है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसका कॉपी करेंगे, लेकिन दोस्तों कॉपी करने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है फिर दोस्तों आपको कोई दुनिया की ताकत हरा भी नहीं सकता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, चक्कर सा विन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बीच में और भी रेगुलर बेसिस पे लाने का कोशिश करूंगा। जय हिंद।